अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल वज़ीर यूनिवर्सल मीडिया पाकिस्तान से। नाज़रीन, इस वक्त हम मंगू टाउन के इलाके बाराको में खड़े हैं। यहां पर एक प्लाजे में आग लगी जिससे शदीद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कई लाखों का नुकसान हुआ है इस जगह का। तो यहाँ पर हमारे साथ एक आदमी मौजूद हैं, उससे पूछते हैं कि ये आग कैसे लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? खान मोहम्मद। ये आग किस तरह लगी, कैसे ये हुआ? छत पे कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा था तो उसकी चिंगारी, वो सामने कोने में एक छोटा सा स्टोर जिसमें फोम पड़े हुए थे, वो चिंगारी उस फोम तक आई है। तो जो ही आग नज़र आती ही हमें सिलेंडर की कोशिश भी की है और वापडा भी ऑफ कर दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की ताहिर की वजह से वो ज़्यादा फैल गई है। आप लोगों ने फायर ब्रिगेड वालों को फौरी तौर पर कॉल करने के बाद उनका तकरीबन आने में तकरीबन लग गया 40-45 मिनट। नाज़रीन, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि 40-45 मिनट के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे हैं, जिसकी वजह से ये छत मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया है। हालांकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी यहीं पे करीब था, इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी गफलत की वजह से ये सारा तबाह हो गया है। तो जब फायर ब्रिगेड वाले आए तो उस वक्त सारा सामान जल चुका था, तकरीबन यहाँ इस जगह तक आगे थी वो छोटा स्टोर जो है वहाँ से स्टार्ट लिए आग ने। तो जब फायर ब्रिगेड आ गए तो ये सारा जल चुका था। उस वक्त तक इंसान के अंदर आने की कोई उनको गुंजाइश नहीं बाकी थी। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि ये इस स्टोर का हालत है, सब कुछ जल चुका है। वहाँ पे एक चिंगारी आई थी जिसकी वजह से आग लग गया है। इन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को फौरी तौर पर मुतल्ला किया था, लेकिन 40-45 मिनट के बाद, बहुत थोड़ा सा फासला है, लेकिन इसके बावजूद 40-45 मिनट लगे हैं। यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ है। अभी एस्टिमेट लगाना तो मुश्किल होगा कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं सब कुछ मुकम्मल तौर पर जल चुका है। यहाँ पर फर्नीचर की एक बहुत बड़ी दुकान थी, दो फ्लोर पर मुश्तमिल थी, ऊपर वाले मंजिल में आग लग गई है और मुकम्मल तौर पर सब कुछ तबाह हो गया है, कोई चीज़ भी अच्छी नहीं रही। एक घंटे से ज़्यादा टाइम हुआ है और आग लगी है, लेकिन अभी शुक्र है वो पहुंच गए। पीछे रास्ता देखेगा, पीछे वो उधर बंदे खड़े हैं, किधर गए बंदे सारे? बोल दो गाल चले गए। मैं बता दिया।
बाहर कुछ।